दोस्तों आज से मैं बात करेंगे क्लास 10th के इसे चैप्टर 1 इसके सेकेंड पार्ट को, जिसमें हम लोग देखेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है कि कैसे जो नेपोलियन जो था ये कैसे आया, दूसरा कि कैसे जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो फ्रांस में किस तरह फैलना शुरू हुआ, और कैसे जो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था, मीन 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके अंदर जो लोगों के क्या सोच थे, बाद में क्या उसके अंदर चेंजेस आए, लोगों ने क्या उसमें मतलब चेंजेस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करना, उस टाइप से बहुत सारा विरोध किया था, तो उसके इसमें हमें जानना है। सबसे पहले कहा गया है कि हम इसमें सबसे पहला चीज़ जो क्लियर होता है ये कि जो नेशनलिज्म जो था वो सबसे पहले फ्रेंच मीन्स रेवोल्यूशन में आया था 1789 में। मीन्स सबसे पहला जो नेशनलिज्म का जो बात खड़ा हुआ था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही खड़ा हुआ था, जो कि कब हुआ था 1789 में। जो वहाँ के फ्रांस था उस समय मतलब कि मोनार्क का रूल था, मीन्स किंग जो रहता था ये उस समय वहाँ पे राज करता था और उसके पास पूरा पावर रहता था, ऐसा ना कि लोगों का के ऊपर पावर है, और जो वो चाहता था वो खुद कर सकता था। मीन्स ऐसा ना कि वो जैसे लोग जो रहते हैं, हम लोग डेमोक्रेटी में क्या देखते हैं कि हम लोग चयन करते हैं किसी व्यक्ति का, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, वहाँ पर राजाओं का शासन था, जैसे लुई XVI था उस तरह से वहाँ पर राजा का शासन था। इससे फिर आगे बताया जा रहा है कि लगभग मीन्स 1789 का ये बात है, जब उस समय मीन्स मोनार्क मीन्स वहाँ पर था, और उस समय के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि वहाँ पर सबको बराबर ही मतलब माना जाए, ऐसा ना कि किसी को छोटा किसी को बड़ा माना जाए। जो वहाँ के लोग जो थे ये भी सोचते थे कि किस तरह जो फ्रांस जो है उसमें जैसे कि अगर कोई किसान जो है उसके साथ जैसे अत्याचार होना, मतलब कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्टेट में बटा हुआ था, नोबिलिटी क्लर्जी और थर्ड स्टेट करके, तो इस तरह वो लोग क्या सोचते थे कि सब ये बराबर हो, ऐसा ना कि किसी के पास ज़्यादा पावर हो और किसी के पास कम पावर हो। बाद में क्या हुआ कि इसके लिए जो मीन्स विरोध भी अगर कोई करता है या फिर एक तरह से पहचान देता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाने के लिए भी तो आप ऐसा ग्रुप बनाइएगा जो कि आपका समर्थन करे, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, तो इंडिया में हम लोग इंडियंस हैं बट हम लोग बिलोंग किससे करते हैं, तो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो सेम यही हो गया कि इन लोगों ने क्या चाहा कि उस समय भी जो फ्रांस था उसमें ऐसा ना कि लोग अपने आप को फ्रांस वाले पूरा निवासी समझते थे, उस समय जो फ्रांस था वो ही बहुत हिस्से में बटा हुआ था, तो लोग क्या सोचते थे कि इसको पूरा एकजुट करना होगा, मतलब सारे लोग को एकजुट करना होगा और किसी बातों से। जैसे हम लोग देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वी आर इंडियंस, ठीक है, तो एक सेंस आता है कि हम लोग इंडियंस हैं, भारत माता की जैसे हम लोग बोलते हैं, जय करते हैं। मीन्स कुछ बातें जो हैं कुछ ऐसा मतलब हमारे सोसाइटी में है जो कि हमें बताता है कि हम सब एक हैं, यूनाइट है। और वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम लोग बल्कि बिलोंग किसे करते हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो एक स्टेट वाला है वो अपने एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से मीन्स उसका भाषा है वो अच्छे से जानेगा इस तरह। तो वही इसमें कहा गया है कि जो फ्रेंच जो लोग थे ये भी क्या चाहते थे कि ऐसा ना कि ये लोग जो अलग अलग ग्रुप में रहा करते थे, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स के जो पीपल है वो अपने एक दूसरे को ज़्यादा मीन्स अच्छे जानते थे, तो इनको क्या लगता था कि उन सबको मीन्स जितने भी स्टेट्स है उस सबको एक कर देना, मीन्स पूरा यूनाइट कर देना, पूरा एक नेशन को यूनाइट कर देना। उसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि जो आइडिया निकाला ला पैट्री मीन्स द फादरलैंड, जैसे हम लोग मानते हैं भारत को अपनी, भारत हमारी माता है जैसे हम लोग कहते हैं भारत माता, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो फ्रांस है वो हमारे पिता टाइप्स के हैं, मीन्स एक पिता समान है और हम इनके जो निवासी है इसके अंदर के मीन्स ये हमारे पिता, ऐसे हम लोग बोलते हैं हम लोग भारत के निवासी है, भारत माता के जैसे एक निवासी हैं, तो सेम वहाँ पर भी एक फादरलैंड का जो है आइडिया लाया गया। और जो दूसरा आइडिया था ले सिटीजन मीन्स द सिटीजन का, उसमें लाया गया कि हम लोग फादरलैंड जो है हमारा फ्रांस है और हम लोग इसके सिटीजन हैं, ठीक है, जिससे कि लोग जो हैं जो यूनाइट करें। उस समय जो फ्रेंच का फ्लैग था उसको भी चेंज कर दिया गया, जो कि था ट्राई कलर फ्लैग से, मीन्स जो पहले का जो रॉयल फ्लैग का जो रहता था जैसे राजा महाराज जो अपना लगा के रखते थे रॉयल टाइप में, तो उसको हटा के एक उसको ट्री कलर फ्लैग दिया गया। फिर इसमें क्या हुआ कि जो मतलब जनरल रहते थे, ये स्टेट जनरल्स रहा करते थे, उनका क्या हुआ कि पहले था कि राजा महाराजा इनके द्वारा भी चुना जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि लोग जो थे वो खुद से उसको इलेक्ट करते थे, मतलब कि जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वहाँ पर हम लोग देखे हुए हैं कि एक्टिव सिटीजन्स का भी कोई बहुत सारा नियम था, जैसे 22 साल या उससे ऊपर होने का, जिसके पैसे अच्छे होते थे मीन्स जो रिच हुआ करता था, इस टाइप से करके जो एक्टिव सिटीजन जो उसे माना जाता था जिनको वो वोट देकर स्टेट जनरल्स बनाते थे। और बाद में इन्होंने क्या किया कि
नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया, मींस नेशनल असेंबली इन्होंने इसका नाम कर दिया। वो बहुत सारे कंपोज करने लग गए, गाने लिखने लग गए, कुछ स्लोगन टाइप में लिखने लग गए, गाने लिखने लग गए, जिससे कि एकजुटता का जो माहौल बनाया जा सके। वहाँ पर एक मीन्स एक तरह से लॉ था कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं या फिर किसी भी प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाते हैं, तो आपको एक तरह से भुगताना मीन्स कस्टम ड्यूटीज़ देना पड़ जाएगा, एक तरह से भुगतान मान सकते हैं देना पड़ता था। लेकिन उस आइडिया को भी हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। फिर था कि वहाँ का वेट एंड मेज़र वाज अडॉप्टेड, मीन्स जो वहाँ पर किस तरह का जो मतलब स्टेट है उसमें कैसा हाव भाव है, उस तरह करके वहाँ का तुलना करना, उसको उस ढंग से चलाना, उसको देखा गया। फिर इसमें आगे क्या था कि जो फ्रांस था उसमें मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे इंडिया, तो इसमें हम लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं। सेम फ्रांस में भी यही था कि वहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज जो अलग अलग बोले जाते थे, तो इन्होंने क्या किया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज था जो कि मेनली मीन्स पेरिस के आसपास में बोला जाता था, पेरिस में भी मीन्स ज़्यादा इसका चलन था, तो इन्होंने क्या किया कि उसे एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया नेशन का, मीन्स जो कि इफ़िशियंट मान सकते हैं, और एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया कि जो पेरिस सॉरी मीन्स जो फ्रेंच लैंग्वेज होगा ये अब हमारे नेशन का एक कॉमन लैंग्वेज होगा, जिससे कि लोगों को एकजुट करके उनको एक समान ला के यूनाइट कर देने का बात इसमें इसलिए आया। अब आता है द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर डैट इट वॉज अ मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लाइब्रेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म और इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। मतलब कि क्या हुआ इन बातों से, मतलब हमने जाना कि कैसे ये सब बातों से करके लोगों को एकजुटता करना चाहा था, उन्होंने चाहा कि सबको एक कर दिया जाए, जिससे कि अगर कोई विरोध होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करें। फिर इसमें क्या हुआ कि यही जो बात थी मीन्स जैसे जैसे प्रचलन जो है आगे बढ़ने लग गया, उसमें क्या हुआ कि पहले मोनार्की का जो मीन्स शासन था, फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि अपने एक एक्टिव सिटीजन्स के रूप में करके इन्होंने चयन करना शुरू कर दिया, वोट देके किसी को चयन करना शुरू कर दिया। और इसी तरह बाद में क्या हुआ कि ये जो बात था ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस में स्टे होकर रह गया, बल्कि दूसरे अदर जो सिटीज़ हैं मीन्स यूरोप में और भी बहुत सारे सिटीज़ थे, वहाँ वहाँ इस बात का फैलाव हुआ। वहाँ पे जो भी मिडिल क्लास जो पीपल थे, मेनली जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वही इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वही जो मिडिल क्लास पीपल थे उन्होंने क्या किया कि बाद में जैकोबिन क्लब्स बनाने लग गए, जो कि हमने 9th क्लास से पढ़ा था, तो जैकोबिन क्लब्स का इसमें भी बात है, तो वो आगे आपको देखने को मिलेगा। नहीं होगा कि जैकोबिन क्लब्स जो थे उनका उन्होंने फॉर्मेशन शुरू कर दिया। वहाँ पर बहुत फ्रेंच आर्मी जो थे वो मूव करके होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और बहुत ज़्यादा अलग अलग जिस इटली टाइप में जाते थे वहाँ प्लेसेस पे, और वहाँ पे जैसे कि मैंने किसी चीज़ का प्रचार हुआ, ठीक है, मतलब कोई अच्छा चीज़ है वो फैलाव हो गया दूसरे सिटीज़ में गया, तो वहाँ के लोगों ने एक क्लब बना दिया जैकोबिन क्लब, और उसके मतलब रूप में वो लोग जैकोबिन क्लब से था उसके रूप में हेल्प किया करते थे कि वो फ्रेंच आर्मी को एक तरह से होलैंड ये सब पे एक तरह से कब्जा पाने क्या उसके ऊपर कंट्रोल करने पे, जिससे कि वो भी जो फ्रांस में जिस तरह का पूरा रूल था, रेगुलेशन था, उसको लागू किया जा सके। तो इसीलिए इन्होंने जो फ्रेंच आर्मीज थे ये मूव करके होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, वैसे इटली, इस तरह के प्लेसेस पे जाके मीन्स अपना जो स्टार्ट कर दिया कंपेन, इन सब बातों को स्टार्ट कर दिया, वो लोग इस चीज़ को हेल्प भी किया करते थे कि हाँ आप इसका फैलाव कीजिए ठीक से। अब फिर आ रहा है आगे कि कैसे फ्रेंच आर्मी जो थे ये कैसे बढ़ावा देना शुरू किए, मीन्स यही मीन्स नेशनलिज्म जो था ये कैसे एक से दूसरी जगह फैलाव होना शुरू हो गया। मीन्स सबसे पहले जो फ्रांस में ही इसका नेशनलिज्म का जो था ये फ्रांस में ही मीन्स स्टार्टअप किया गया था इसका। अब आ रहा है कि राइज ऑफ नेपोलियन, तो नेपोलियन जो है ये 1804 में इसका राइज हुआ था, मीन्स 1804 में वो आया था नेपोलियन, वहाँ पर मीन्स एक तरह से जीता गया था लोगों के द्वारा, एक तरह से मीन्स सिलेक्ट करके जीता गया था, और वहाँ पर जो नेपोलियन था उसने फिर से मोनार्की स्थापित कर दिया, मीन्स एक तरह से डेमोक्रेसी उसमें स्थापित हो गया था लगभग फ्रांस में, कि वहाँ के जो लोग थे वो चयन करके अब किसी को भी चुनते थे एक तरह से सिटीजन के रूप में, कि हाँ मैंने इसको चयन करके, हमने इसको चयन करके चुना है। नहीं, बाद में क्या हुआ जब ये आया नेपोलियन तो इसने फिर से मोनार्की वाला जो बात था उसको वापस ला दिया, इसमें ये जो चाहे वो कर सकता था, इसमें जरूरत नहीं था कि लोगों के द्वारा चुना जाए। लेकिन इसने बहुत सारे कुछ अच्छे भी काम किए, बहुत सारे इफ़िशेंट वर्क किए, जैसे सिविल कोड ऑफ 1804 था जिसको नेपोलियनिक कोड भी कह सकते हैं, इसमें इसने क्या मीन्स बताया गया कि पहले ये था कि
अगर बर्थ है मीन्स आप किस कास्ट के हैं, आपका मीन्स बर्थ हो गया, इक्वलिटी उससे मैंने ही दिया था आपको उसी रूप में, आपको किसी किसी को राइट टू प्रॉपर्टी था, किसी को नहीं था, तो उन सब चीज़ों को इसने हटा के सबको एक समान कर दिया कि हाँ किसी का मतलब ऐसा नहीं कि सबको बर्थ या उसकी कास्ट पे उसको मेन से ट्रीट किया जाएगा, बल्कि सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा, सबके पास राइट टू प्रॉपर्टी होगा, सब जो लॉ के सामने एक है, ठीक है। तो उसने एक ये जो कुछ काम थे उसने अच्छे किए थे। फिर क्या हुआ कि ये जो कोर्ट था ये फ्रांस से मीन्स एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, मीन्स फ्रांस के कंट्रोल में होते हुए और भी अलग अलग जगह पे गया, जैसे डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियंस सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, मतलब वहाँ वहाँ जाकर भी उसने इन सब बातों का एक तरह से फैलाव किया इन सब चीज़ों का। और इस तरह से एक था कि किसान जो रहते थे उनका पहले क्या हुआ करता था कि जो लैंड ओनर्स थे ये कभी चाहे तो किसी भी किसान को बोल सकते थे कि आप आके इसमें काम कर दो, मतलब कि उसको भुगताना देते थे, लेकिन फिर भी मतलब उनके मन पे ये क्या था कि वो कभी भी उस किसान को हटा सकते थे बिना कोई रीज़न के किसी तरह से भी। तो यही उसने इस चीज़ को बैठा दिया कि नहीं आप इसको ऐसा नहीं करेंगे, आप किसी किसान को बिना मतलब का आप नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक तरह से उसका वो रोज़ी रोटी है। तो फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि इसने बहुत सारे मीन्स अलग अलग जो मतलब एक तरह से टैक्सेस टू कहा जाए, बहुत सारे ड्यूज जो थे, जो बहुत सारे अलग अलग एक्स्ट्रा पेमेंट पे करना पड़ता था इन लोग को, उन सब चीज़ों को हटा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो देखा जाए तो इन द टाउन्स टू गिल्ड द सिस्टर्स आर रिमूव्ड, मीन्स एक तो हो गया कि आप एक से दूसरी प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ का जो पैसा जो लगने वाला था उसको भी हटा दिया, कि जो आपको पहले पैसा देना पड़ता था उन सब चीज़ों को हटा दिया। तो इसीलिए ये सब बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, पीजेंट आर्टिस्ट बिजनेसमैन जो है ये एक तरह से अपने ऊपर इसको फ्रीडम माने लगा कि चलो हमारे लिए भी आसान हुई, बहुत सिंपल हो गया था अब इनके लिए इनका वर्क करना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसका रिएक्शन तो ठीक मिलता था, लेकिन बाद में फिर इसका उल्टा रिएक्शन मिलने लग गया, मतलब कि इसने अच्छे काम तो किए थे लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बहुत से ऐसे प्लेस है जहाँ पर इसका कब्जा था, एक तरह से कब्जा मतलब कि जहाँ पर ये अपना कंट्रोल रखा हुआ था भाई, मतलब तो जैसे कि होलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, और ब्रुसेल, मेन, मिलान, वार्सॉप, ये सब जगह पे जहाँ पे फ्रेंच आर्मी जो है ये सब जो प्लेसेस का नाम दिया गया है यहाँ पे फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया गया, मीन्स ये जो सोच लेके आए थे ये जो बात जो नेपोलियन जो था जिसने फैलाव किया था उसका वेलकम उन्होंने किया। लेकिन बाद में उनका जो सोच था एकदम उल्टा हो गया, पहले तो उन्हें बहुत अच्छा लगा लेकिन बाद में उनका जो सोच है ये एकदम उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि बाद में जो नेपोलियन जो था ये मीन्स अब ऐसा हो गया कि एक तो मोनार्की वाला शासन सीधी सी बात ये कर रहा था तो ये अपने मन से कहीं का भी जो टैक्स था वो हाई कर देता, किसी मतलब अपने तरफ से कुछ भी अब अनवांटेड कोई भी मतलब रूल्स लगाने लग जाता, और इसी तरह इनका जो टैक्स का जो था ये इंक्रीज़ कर दिया। और फिर जो दूसरी बात ये थी कि टैक्स तो इंक्रीज इसने किया ही किया, लेकिन बाद में क्या था कि अगर फ्रेंच आर्मी अगर कहीं युद्ध होता है किसी के बीच में तो वहाँ पे युद्ध होता था तो ये क्या करता था कि इन जो देश जो रहा करते थे मीन्स ब्रुसेल, होलैंड, स्विट्ज़रलैंड, क्या करता था कि वहाँ से भी जो भी व्यक्ति सब थे उनको भी ये कहता था कि आप आकर फ्रेंच आर्मी में मिल जाइए जिससे कि आप वहाँ पर जाके युद्ध लड़िए। मतलब कि ऐसा हुआ कि इसने एक तरह से ज़बरदस्ती कहा जाए कि के लोगों को अपने आर्मी में ऐड करता था जिससे कि बाद में जाके कहीं भी अगर लड़ाई होती है तो वहाँ पर जाके उनको ये भेज सके कि उस लड़ाई को जीतने के लिए। लेकिन 1815 होता है इसमें वाटरलू की लड़ाई में मर जाता है, बाद में इसको देखने को मिलेगा जिसमें जो अदर जो कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर इसको डिफीट कर देते हैं, तो इसकी जो चर्चा ये आगे की गई है। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।